di domenica. La piscina che si è chiesto di aprire la roba per le sali in Europa. बहुत खुशी होती है उस मौके पे जब आप किसी छोटे से बच्चे को बड़ा होता जवान होता देखते हैं। साथ ही में जिस ज़माने में मैंने लिखना शुरू किया 86 से पहले की बात है शायद, उस वक्त ये एक आम सा पर्चा होता था और सोलह सफ़े का होता था, ये 36 सफ़े का, और इसमें तस्वीरें भी नहीं होती थी, आम सा टाइटल भी बहुत ही खरीदे मामूली सा होता था। लेकिन फिर लोगों की मेहनत, और ख़ासतौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगा जहाँ से ये चेंज आई है, सादिक जमील भाई एडिटर हुआ करते थे और उनके साथ एक पूरी टीम, माशाल्लाह इस वक्त वो सहाफत में बड़े नाम हैं सारे उस टीम के, तो मैराजुलर सिद्दीकी साहब हमारे उस वक्त के नाजिम थे कराची जमीयत। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि साथी को भी दूसरे इंसानों के बराबर एक मैरी पर्चा बनाने के लिए इसमें जो तब्दीलियाँ मुमकिन है वो की जाएँ, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उस टीम ने वो तब्दीलियाँ की और उसके बाद आने वाली टीम ने उसको वहाँ रुकने नहीं दिया बल्कि उस मैार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। इनायत अली खान साहब ने इशारतन कुछ पर्चों के उभरने और डूबने की बात की, तो एक डूबते हुए पर्चे के एडिटर में भी रहा आन मिचौली उसका नाम, तो आन मिचौली ने एक नया प्लान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब देखता हूँ साथी को, मैं पढ़ता हूँ मुसलसल में उसका कारी हूँ, तो आन मिचौली की कमी को साथी ने बहुत हद तक पूरा किया है। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि इसके पीछे ना सलीम मुगल है, ना ताहिर मसूद है, ना वो बड़ी टीम है, ना वो बड़ा पैसा है जो वहाँ मौजूद था, नौजवान हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन एक जज्बा है जिसकी वजह से साथी मुसलसल तरक्की कर रहा है। और मेरी दुआएं इसके साथ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि लिखने की हद तक भी इसकी जो भी मुआवना कर सके वो करूँ, और उसके अलावा जो मशावरत होती है वो भी करता रहता हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा नसल के जो मेरे अपने बच्चे हैं वो इसमें लिखें, मेरा तकरीबन तमाम बच्चे लिखते हैं लेकिन वो ज़रा अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो अंग्रेज़ी में लिखते हैं। एक बच्चे को मैंने मुंतखब किया है कि वो उर्दू में लिखें, और अलहम्दुलिल्लाह उसकी कहानी छपी थी, उसके इनाम भी मिल गया उसको पहले नस्म पे, तो साथी से ताल्लुक मजबूत ताल्लुक कायम है, सभी लोगों का है, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। तो बहुत शुक्रिया साथी वालों को कि वो बुलाते भी हैं, इज्जत भी देते हैं और मेहनत करके साथी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।